हेलो नमस्कार प्रधान समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी हो गए हैं। इस सप्ताह में लास्ट तक सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। उसके लिए नियम भी बनाए जा रहे हैं किस आधार पर नियुक्ति की जाएगी, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी जा रही है। किन अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा, किन को नहीं रखा जाएगा और कितने पदों पर नियुक्ति की जाएगी, इसके संबंध में भी पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। और क्या नियम रहेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर, DPI से बात की गई है तो इसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। और अतिथि शिक्षकों के लिए अलग से भी एक नीति बनाई जा रही है नियुक्ति को लेकर। और ट्राइबल विभाग में कितने पदों पर भर्ती होगी और अतिथि शिक्षकों की टोटल कितनी भर्ती होने वाली है, इसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। मैं पूरी विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है, DPI में क्या बात की गई है, कितने पदों पर भर्ती की जानी है और किस आधार पर की जानी है, किन अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है, आप वीडियो बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नई अपडेट पाने के लिए वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का। आप लोगों को जिस चीज़ का इंतजार था नियुक्ति को लेकर के, एक बड़ी खबर है। नियुक्ति कैसे होगी, क्या होगी, इस संबंध में आज काफ़ी चर्चा हुई हमारी पी के सिंदर जी से जो भी हैं। और उम्मीद है कि आगामी इस सप्ताह के आखिरी तक आप लोगों को नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। आज ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि आप लोगों के लिए नियम बन रहे हैं, नए नियम बन गए हैं। जल्दी बल्लभ भवन से आदेश जारी हो जाएंगे और इसके उपरांत आप लोगों के नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। अब उसमें नियम क्या है, कितनी संख्या में भर्ती करेंगे, प्राथमिकता किसे मिलेंगी, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी मगजमारी उन लोगों ने शुरू कर दी है। अपने अपने हिसाब से वो काम करने में लगे हुए हैं। गर्मी बहुत है यार, संदेश करो। तो पहले बात करते हैं हम नियुक्ति को लेकर के। तो नियुक्ति आदेश इस महीने के सभी की नियुक्ति जो है इस महीने में लगभग लगभग कर दी जाएगी। सब डिस्टर्ब हो जाएगा। जो नियुक्ति आदेश का इंतजार कर रहे हैं तो उनका, उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि इस बार जो आदेश है आपके, आज 16 तारीख हो गई है, 20 तारीख के अंदर अंदर, कल छुट्टी रहेगी DPI की, मतलब 17, 18, 19 तीन दिन ब्रेकिंग डे है, 17, 18 तो छुट्टी है, 18, 19 दिन ब्रेकिंग डे रहेगी और इन दोनों दिनों में किसी भी दिन आदेश जारी हो सकते हैं। काउंसलिंग कर रहे हैं और जैसे ही काउंसलिंग खत्म होती है उसके बाद नियुक्तियों का इक्वल मिला के आप लोगों के समझ लीजिए कि 1 अगस्त से ही आप सबको नौकरी मिलेगी। ये श्योर कर दिया उन्होंने कि 1 अगस्त से ही हम अतिथि शिक्षक रखेंगे, जिस प्रकार शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में सरकार का कोई अस्तित्व लगता है ही नहीं, अधिकारी मनमाने तरीके से DPI का काम चला रहे हैं। उन्हें पता है अतिथि शिक्षक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिस पर विपक्ष या मीडिया भी कभी ज़्यादा सवाल नहीं करता। उन्हें यह पता है कि अगर हम इसमें फर्जीवाड़ा भी कर देंगे तो कभी भी मीडिया और विपक्ष इस पर ज़्यादा सवाल हमसे नहीं करेगा। वहीं अगर रेगुलर शिक्षकों की भर्ती होती है तो उसमें अगर थोड़ा फर्जीवाड़ा हुआ तो मीडिया, संगठन, बहुत सारे लोग दौड़ पड़ते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए कोई नहीं है, ना तो विपक्ष खड़ा है और ना मीडिया खड़ी है, ना हम खुद खड़े हैं। हम तो बस राय देख रहे हैं, कोई मसीहा तैयार हो जाए, हमारे लड़के आ जाए और हमें नियुक्ति मिल जाए। तो ये तो कंफर्म कर दिया उन्होंने कि आप लोगों की नियुक्ति अगस्त महीने में ही होगी। अब रही बात रिक्त पदों की व्यवस्था, जो तो रिक्त पदों के लिए वो लोग बहुत सारे रूल बना रहे हैं। उनका कहना है इस वर्ष हम केवल वहीं अतिथि शिक्षक रखेंगे जहां पर बिल्कुल सुस्पष्ट रिक्त पद हैं। और लगभग हमने ये भविष्यवाणी की थी कि 25,000 से 30,000 में हमारी संख्या सिमट जाएगी और लगभग लगभग वो सही होता भी नजर आ रहा है। इस बार ट्राइबल में 20,000 से 25,000, जहां पे लगभग 45,000 की संख्या पिछले वर्ष ट्राइबल में थी, इस बार लगभग लगभग 20,000 से 25,000 ट्राइबल में और 40,000 से 45,000 एजुकेशन में अतिथि शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। वो भी वर्ग 1 और 2 में बहुत कम संख्या में भर्ती होगी, ज़्यादातर संख्या वर्ग 3 में, लैब में और म्यूजिक के जो नए नए पद आए हैं, अकादमिक जो पद हैं उनमें।
ये एक बहुत ही शर्मनाक है कि सरकार हमारे पदों को खत्म करने में ज्यादा लगी हुई है। एक बात और सुनने में आ रही है कि इस बार जो नियमित शिक्षक आ गए हैं जिन स्कूलों में, जहां पे विद्यार्थी कम है, छात्र संख्या कम है, वहां पे मैथ और फिजिक्स एक व्यक्ति पढ़ाएगा, मैथ वाला फिजिक्स पढ़ाएगा, बायो वाला केमिस्ट्री पढ़ाएगा। इस तरह की नीति भी डीपीआई बनाने में लगी हुई है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे खिलाफ में है, जो षड्यंत्र पूर्वक सरकार के सामने अपनी वाहवाही दिखाने के लिए डीपीआई के अधिकारी लगे हुए हैं। नियम जो हैं इस वर्ष के, जो नियम पहले थे वही नियम इस साल भी रहेंगे। लगभग लगभग आपके जो पूर्व से कार्यरत हैं उनको बाहर नहीं किया जाएगा। ये कहा गया था कि स्कोर कार्ड में हम परिवर्तन कर रहे हैं और जो हमारे साथी बाहर हुए हैं उनको हम अंदर लाने का प्रयास करेंगे। पूरे 7 दिन तक स्कोर कार्ड को लाख रखा। हम लोगों से कहा गया कि आप लोगों के लिए नए नियम बन रहे हैं, आपकी स्कोर कार्ड में नए नए एजुकेशन के नंबर अंक जोड़े जाएंगे और इसके बाद नए स्कोर कार्ड रिलीज होंगे। कहावत एक शब्दार्थ होती है इसमें, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। वही हाल यहाँ पे हुआ कि जब तक 7 दिन तक हम उम्मीद लगाए बैठे रहे और जब स्कोर कार्ड जारी हुए तो पूर्व के ही स्कोर कार्ड हमें पकड़ा दिए गए, जिसमें बहुत सारे साथी ऐसे थे जिनके उसमें 25 अंक जुड़े हुए थे। जो पुराना हमारा साथी थे उनके उसमें 25 अंक ऐड थे, वो भी हटा दिए। मतलब नुकसान करने के लिए बहुत आगे हैं, लाभ तो देने से बहुत दूर की बात है, पर नुकसान बहुत जल्दी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो नियम में यही है कि ये कहा गया था कि हम पूर्व में जो कार्यरत थे उन्हें बाहर नहीं करेंगे, उनको अनुभव के अंक देकर उनको आगे लेकर आएंगे। तो ये भी एक सपना जो है टूटता हुआ दिख रहा है, और ये भी जो सरकार लगातार दिखा रही थी कि हम ये करेंगे करेंगे, ये भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। बस इतना ही है कि जो जहाँ पे कार्यरत है वो स्कूल में कार्यरत रहेंगे। जो भी विज्ञप्ति निकाली जा रही है कहीं भी, चाहे ट्राइबल कोई भी, वो विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी जब तक कि यहाँ से आदेश जारी नहीं होता। तो पूर्व से कार्यरत यथावत रहेंगे, चाहे वो डीएड बीएड हो चाहे ना हो, ये बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रही है, वो बाहर नहीं होंगे किसी भी हाल में। हाँ, नए पदों पर अब जो हमारे साथी बाहर, उससे थोड़ी दिक्कत उनके लिए हो रही है जो ट्रांसफर और प्रमोशन से बाहर हो चुके हैं, जो सीधी भर्ती से बाहर हो चुके हैं, उनका क्या किया जाए, कैसे उनका कार्य हो, कैसे उनको अंदर लाया जाए, इस पर अधिकारी विचार करने को पहले तैयार थे। अचानक उनको क्या हो गया भगवान जाने, उनका भी ऊपर वाला ही मालिक है, कब उनको पूछेगा पता नहीं। जल्दी से भगवान भी याद कर ले, अच्छे लोगों को याद भी नहीं करता। वहाँ तो एक ऐसी मैडम भी है, आप लोग नाम सुन चुके हैं, जिसको बोलने का ढंग ही नहीं है। तो एक ये हमारे लिए जरूर थोड़ी सी दुख की बात है। 30% रिजल्ट के लिए भी उन्होंने कहा था कि हम नियम बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि आदेश आए बल्लभ भवन से आ जाए, देखते हैं क्या हो सकता है। ऋतिक जी, स्कोर कार्ड और पैनल में कोई भी मतलब नहीं है। स्कोर कार्ड ऐड होना, पैनल ऐड होना, पैनल अभी भी ऐड हो रहे हैं और स्कोर कार्ड निकलने शुरू हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्कोर कार्ड इसलिए निकाले जा रहे हैं कि पैनल ऐड हो रहा था, इससे कोई मतलब नहीं। क्या था यार? तो इसकी ये आप लोग जो ये बता रहा है कि स्कोर कार्ड इसलिए निकल रहे हैं कि पैनल काम हो रहा था, पैनल वाले काम से स्कोर कार्ड कोई मतलब नहीं है। स्कोर कार्ड उन्होंने लॉक इसलिए किए थे कि हम उसमें अनुभव के अंक जोड़ेंगे। पता नहीं क्या दिमाग लगाया, कैसा क्या किया, अंतिम में उसे छोड़ दिया। तो आज के लिए बस इतनी खबर है हमारे पास। जो भी होगा, कल तो छुट्टी रहेगी, कल कोई खबर मिलेगी नहीं, परसों डीपीआई खुलेगी, परसों मैं पुनः डीपीआई जाऊंगा और हमारा प्रयास कुछ चीज़ों को और लेकर के है। जो आपने छुट्टी वगैरह हमें कहा था उस पर क्या हो रहा है, क्या विचार कर रही सरकार, करेगी या नहीं करेगी, जरूर इसके लिए बात करेंगे कि आप हमें जो आपने कहा था कि हम प्रसूति अवकाश वगैरह देंगे वो आप दोगे कि नहीं दोगे, ये हम कन्फर्म करना चाहेंगे उनसे। तो उम्मीद है कि जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा नियम के साथ में नियुक्ति आदेश हमारे जारी कर दिए जाएंगे। बाकी जो समस्याएं हैं आपको मेरे पीछे नंबर दिख रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। हाँ, जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था डीएड और बीएड के लिए, उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाई है, उनके लिए वो जरूर संपर्क कर सकते थे कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अभी कॉलेज है, उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर नहीं होगा तो हम करवा लेंगे, तो उनकी जरूर हेल्प की जा सकती है। बाकी